वजीर इत्तला'आत सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 9 मई को मासूमों को इस्तेमाल किया गया, अवाम इक्तदार के हवस के पुजारियों को मुस्तरद कर चुके हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद पर चढ़ाई से कबल 9 मई वालों का हशर याद रखें, पार्टी बातों पर नहीं अमली कामों पर यकीन रखती है, मायूसी की बातें नहीं होनी चाहिए, दिन रात काम करके प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल और अवाम को सहूलत फराहम करेंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर शहर की अहम जरूरत है, जिनाह एवेन्यू का काम 3 माह में मुकम्मल करेंगे। सिंध के सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद पर चढ़ाई से कबल 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद का हशर को पहले याद रखें, इक्तदार के हवस के लिए मासूमों को इस्तेमाल किया गया, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो वो जो कर सकते थे तो एक दहशत फैलाई उन्होंने, लेकिन रियासत हमेशा मजबूत होती है। आज 9 मई करने वाले कहाँ हैं और जिनके खिलाफ 9 मई भी वो कहाँ हैं वो देखें आप। आज जिन्होंने 9 मई की वो जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ 9 मई का प्रोपेगेंडा किया गया और 9 मई जैसा माहौल बनाया गया, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगहों पर अच्छी अच्छी जगहों पर आराम से बैठे हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि 9 मई मुल्की तारीख का सियाह तरीन दिन था। पीटीआई सरबराह ने पीटीआई के सरबराह लोगों को वरगला कर पावर दिखाना चाहते थे, हम अपनी सीआईसी पर चलते हुए मुल्क के फायदे के लिए विफाक का साथ दे रहे हैं, हम अपनी सीईसी पर चलते हुए मुल्क के फायदे के लिए विफाक का साथ दे रहे हैं। वायलेशन वायलेंस करने के लिए आपने तरगीब दी, पीटीआई के लीडर ने 9 मई को आवाम को वरगलाया कि जी आप रोडों पे आए और जितने भी अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाएं। हम कराची में मौजूद हैं, कराची में ही हमारी बसों को आग लगाई गई, नजर आतिश किया गया, एम्बुलेंसें जलाई गई, जिना हाउस जैसे जगह को भी नहीं बख्शा गया। तो मैं समझता हूँ कि एक दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी 9 मई को, एक दहशतगर्दी की लहर पूरे पाकिस्तान में फैलाई गई सोची समझी साजिश के तहत। वो पावर दिखाना चाहते थे इमरान खान और उनके हवारी कि अगर इमरान खान को कुछ किया तो हम ये भी कर सकते हैं। सीनियर वजीर का कहना था कि हमारी तरजीहात होंगी अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जाएं, दिन रात काम करके जल्द अज जल्द कराची में जारी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करें। इससे कबल सीनियर वजीर को प्रोजेक्ट के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन के साथ कैमरा टीम के हमरा अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज कराची। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर।